सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर अब तक की आपको साफ तौर पर बता दें, जैसा कि आपको ज्ञात है देश में कोरोना की स्थिति फिर एक बार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगातार केसेस नज़र आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस बीच शायद मेरे ख्याल में रेल की जो स्पीड है, रेल की जो रफ्तार है, भारतीय रेल की रफ्तार है, वो थोड़ी थमती हुई नज़र आ रही है। बता दें आज एक आदेश पारित हुआ है जिसके अनुसार मैलानी से लखनऊ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें और साथ ही साथ मैलानी से गोरखपुर वाया लखनऊ गोमती नगर एक्सप्रेस सहित ऐसी तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लिस्ट मेरे पास में है, बात करते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए साफ तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आप देख सकते हैं पूरा जो सूची है, पूरी सूची है वो जारी कर दी गई है। करीब करीब हम एक तरह से कह दें यहाँ पर 9 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है NER डिवीज़न की तरफ से। और कैंसिलेशन की जो बात कही गई है वो 21 तारीख यानी कि कल से 21 अप्रैल 2021 से की गई है। हम अगर बात करें तो लखीमपुर मैलानी, मैलानी लखनऊ रेलखंड पर जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें से कौन कौन सी ट्रेनें चलती रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, ये बात कर लेते हैं। पहली ट्रेन और गौरतलब है कि पहले नंबर पर लखीम मैलानी लखनऊ सेक्शन की ही बात है। पहले नंबर पर जो ट्रेन रद्द की गई है वो रद्द की गई है 050/85, 050/86। मैलानी से लखनऊ जंक्शन के बीच संचालित की जाने वाली जो पैसेंजर ट्रेन है, मैलानी से दोपहर में 3 बजे चलती है और लखनऊ से सुबह 6:20 पर जो पैसेंजर ट्रेन चला करती है मैलानी के लिए, जो सुबह लखीमपुर 10 बजे और 11:30-12 तक आपकी मैलानी पहुँचती है, वो ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई है। कहने के तात्पर्य क्या है, सुबह आपको 6:20 पर पैसेंजर ट्रेन या नरीक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से मैलानी के लिए नहीं मिलेगी अब अग्रिम आदेशों तक। साथ ही साथ दूसरी बात करें, जो मैलानी से दोपहर में 3 बजे पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी लखनऊ के लिए, वो ट्रेन रद्द कर दी गई है। अब आपको वो भी ट्रेन नहीं मिलेगी क्योंकि जो सुबह मैं लखनऊ से आती थी वही शाम को 3 बजे यहाँ से निकलती थी। तो कहने का मतलब है 050/85, 050/86 का जो सफ़र है, जो संचालन है, वो रद्द कर दिया गया है। दूसरी हमारी जो ट्रेन चलती है मैलानी गोरखपुर के बीच गोमती नगर एक्सप्रेस 05/09, 05/10 रद्द कर दी गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले ही रेल हम एक तरह से कहते कुछ संख्या ट्रेनों की बढ़ी थी अपने क्षेत्र में, तमाम महीनों के संचालन बाधित होने के पश्चात उसके बाद अब फिर एक बार समय है इस रेल संचालन बंद करना पड़ रहा है, ऐसी तमाम ट्रेनों की बात है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है मैलानी से लखनऊ के बीच चलने वाली 3 बजे जो पैसेंजर जाती है दोपहर में मैलानी से लखनऊ के लिए, वो रद्द है। लखनऊ से सुबह 6:20 पर पैसेंजर मिलती है वो रद्द कर दी गई है मैलानी के लिए जो जाती है। वहीं तीसरी ओर गोमती नगर एक्सप्रेस जो गोरखपुर से मैलानी के बीच में चलती है वो बंद कर दी गई है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी ट्रेन चलती रहेगी मैलानी से लखनऊ के बीच में। मैलानी से गोरखपुर की जो ट्रेन गोमती नगर एक्सप्रेस उसको तो बंद ही कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी ट्रेन, जी हाँ, जहाँ हमारे क्षेत्र में कुल 6 ट्रेनें चलती थी, 3 जोड़ी ट्रेनें चलती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ी ट्रेन चलेगी। सुबह जो मैलानी से 6:15 पर ट्रेन निकलती है पैसेंजर अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस लखीमपुर 7:36 फिर आगे लखनऊ पहुंचती है। सुबह जो पैसेंजर लखनऊ जाती है मैलानी से वो एक ट्रेन चलेगी और लखनऊ से लखीमपुर होते हुए मैलानी के लिए जो दोपहर में 1:45 पर ट्रेन निकलती है लखनऊ जंक्शन से मैलानी के लिए, वो ट्रेन चलती रहेगी बस। और कोई ट्रेन इस पूरे सेक्शन पर कल से यानी कि 21 अप्रैल 2021 से देखने को नहीं मिलेगी, ये बड़ी खबर हम एक तरह से मान सकते हैं। आपकी कई ट्रेनों को दोस्तों मैं बताऊं आपको, कई ट्रेनें यहां पर जो लिस्ट आप देख सकते हैं, कई ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। और साफ तौर पर जैसा कि कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है, ये एक बड़ी खबर मान सकते हैं। ट्रेन संचालन मैलानी से लखनऊ गोरखपुर के बीच में गोमती नगर एक्सप्रेस का बाधित रद्द कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टिल फर्दर एडवाइस, हम इसे एक तरह से मान सकते हैं कि अगले आदेश तक, अभी आगे का कोई आदेश नहीं है कि कब तक ये ट्रेन रद्द रहेगी। गोमती नगर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं साथ ही साथ हम अगर बात करें तो लखनऊ से सुबह 6:20 पर जो अनारक्षित विशेष एक्सप्रेस चलती है, पैसेंजर ट्रेन चलती है मैलानी के लिए, वो रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ मैलानी से लखनऊ के लिए 3 बजे दोपहर में एक ट्रेन चलती है पैसेंजर, वो रद्द कर दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ट्रेन की सुविधा है जो कि सुबह 6:15 पर मैलानी से मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शाम को वही दूसरी ओर लखनऊ से आपको 1:45 पर मैलानी के लिए मिलेगी। उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबाइए। सपोर्ट हमेशा अपना बनाए रखिए। भारतीय रेल से जुड़ी हर एक खबर से हम आपको हमेशा रूबरू करते रहेंगे। सपोर्ट हमेशा अपना बनाए रखिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सपोर्ट हमेशा अपना बनाए रखें। धन्यवाद।